अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। औरत को मोहब्बत होने में बहुत देर लगती है, पता है क्यों? क्योंकि वह वफा को पहले और मोहब्बत को बाद में रखती है। वफा करना मोहब्बत करने से ज़रा मुश्किल होता है। मर्द की ज़ात तो बुत परस्त है, कई छोटे बड़े बुत निकलते हैं उसके दिल में से। औरत तौहीद परस्त है, उसका दिल चाक करो तो अल्लाह के बाद एक ही खुदा निकलता है, उसके लहू में रंगा हुआ। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज्जत करना, और ये बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। औरत की वफादारी उस वक्त पता चलती है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी उस वक्त पता चलती है जब मर्द के पास सब कुछ हो। मर्द अगर औरत को रोकता है, टोकता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो शक करता है या फिर उस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो उसे अपनी इज्जत समझता है और उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है। हमारे माशरे में बहुत सी औरतें ससुराल वालों के मेयार पर पूरा उतरते उतरते कब्र में उतर जाती हैं। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान, उसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत जब भी कभी मोहब्बत के सफ़र में आंखें बंद करके चलती है तो मर्द उसकी आंखें खोल देता है, कभी धक्का देकर और कभी धोखा देकर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।